आप उन बच्चों को अच्छाई सीखे पढ़ा रहे हो, जॉब चाहिए, आपको क्या लगता है आगे जॉब मिलेंगे नहीं मिलेंगे? जानते हो ये बात, फिर क्यों पढ़ा रहे हो? चांस के कोशिश इसलिए कर रहे हैं, कभी चांस आ जाए, मिल जाए तो मैं आज आपको प्रैक्टिकल समझाऊंगा, वो चांस भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, कुछ भी कर लो आप, समझे प्रैक्टिकल? जब हम 50 करोड़ थे, जॉब ज्यादा थे, हम कम थे, और उस समय आपको मेरी बात का विश्वास ना हो, अपने दादाजी से पूछना अगर है तो, एक तो पिताजी से पूछना, सरकार ढूंढती थी जॉब के लिए और हम छिप जाते थे, सरकार ढूंढती थी और हम छिप जाते थे, अभी हम ढूंढ रहे हैं जॉब, सरकार छिप रही है, उल्टा हो गया, क्यों? पॉपुलेशन बढ़ती गई, जॉब कम होते गए, हम 60 करोड़ हुए, जॉब कम हुए, 70 हुए, जॉब कम हुए, 80 हुए, जॉब कम हुए, अब ये कैसे कम हुए? आपको ये इतने धीरे धीरे खत्म हुए कि आपको पता नहीं लगा, कैसे पता नहीं लगा? कितने लोग जानते हैं हमारे पूर्वजों के, पूछते या सुना है, हाथ खड़ा करो जिन्होंने सुना है, और ये रियलिटी है, हमारे पूर्वजों के पूछ थी पर वो इतने लंबे टाइम में धीरे धीरे खत्म हुई कि किसी को पता नहीं लग पाया। आज सोचो अगर आपके होती बैठते कैसे, जिस चेयर पर बैठे हो आराम से कैसे बैठे, बैठ भी जाते साइड वाले के टकराते, वो कहता है पूछ तो समान अपनी इधर तेरे से तेरी पूछ नहीं समझ रहे, चलो वो भी संभालते अपनी थी को, आपने ये कपड़े पहन के उसके लिए अलग से कपड़ा सिलाना पड़ा। अच्छा आपको ऐसा नहीं लगता होती तो बड़ा अजीबोगरीब हो जाता ना? अभी तो हम बोलते भाई साहब उसने उसका बेटे पीटिया कोई है तो वो कहते देखो ना उसकी पूछ खींच के भगेगा ये, जो भी एक्स वाई जेड, वो धीरे धीरे खत्म हुई और हमें पता नहीं लगा, और आज हमें ऐसा लगता भी नहीं होगी, और सोचते तो बड़ा अजीबोगरीब लगता है यार होगी तो ये लगते कैसे होंगे, कैसे बैठते होंगे। इसी तरह ये जॉब खत्म हुए। आज थोड़ा प्रैक्टिकल समझो, जब हम 50 करोड़ थे बैंक में 20 लोग काम करते थे, कितने? 2 मैनेजर, 2 पैसा देने वाले, 2 पैसा देने वाले, 2 पासबुक प्रिंट करने वाले, 2 चेक क्लियर करने वाले, 2 सफाई कर्मी, 2 सुरक्षा, लगभग 20 लोग। कब हम कितने थे? 50 करोड़। हम बड़े तो पॉपुलेशन बढ़ी तो सरकार का खर्च बढ़ा, तो सरकार ने कहा खर्च बढ़ रहा है, तो जब पॉपुलेशन बढ़ी तो बैंक में पैसा देने वाले ज्यादा पहुंचे और देने वाले कितने? 2। तो उन्होंने 5 बजे कह दिया कल आ, कल गए, भीड़ और ज्यादा बढ़ गई, ये बात सरकार तक पहुंची, तो सरकार ने कहा क्या करें, बोले और 2 बढ़ाओ, उन्होंने कहा पहली केस का खर्च बढ़ गया तो सैलरी को हम दे नहीं सकते, तो किसी ने आइडिया दिया बिना सैलरी का आदमी ना, बोले भारत में मिलता है, बोले भारत में नहीं आउट ऑफ इंडिया, बोले 5 बजे तक जॉब करता है, बोले नहीं 24 घंटे तक, बोले फ्री में, हाँ फ्री, बोले बैंक तो 5 बजे बंद हो जाएगी वो रहेगा कहाँ, बोले बैंक के बाहर रहता है। डिस्कस हुई, एटीएम आ गया, बिना सैलरी का कहाँ खड़ा रहता है, रात में 2 बजे जाओ पैसा देता है कि नहीं, गया 2 लोगों का जॉब और आपको पता नहीं लगा, चला गया, फिर आ गया पैसा जमा करने वाला, फिर 2 का चला गया, फिर आ गया पासबुक प्रिंट करने वाला, फिर 2 का चला गया, अब आ गया चेक क्लियर करने वाला, फिर 2 का चला गया, और मेरा ओपन चैलेंज है 25 साल के बाद आपको भारत में बैंक नाम की चीज नजर नहीं आएगी, आएगी नहीं। हम बढ़ रहे हैं, जॉब कम हो रहे हैं, और ये मैं एक सेक्टर की बात नहीं कर रहा,
जिसको भी देखो आप रेलवे की बात करो, जब हम 50 करोड़ थे कोयले का इंजन चलता था, 10 लोग काम करते थे उस इंजन में, और हम कितने थे? हम 60 करोड़ हुए, 2 निकाल दिए गए। हम 80 करोड़ हुए, वो इलेक्ट्रिक नहीं आया, 2 ही बचे। अभी हम 140 करोड़ है, उन्होंने कहा ड्राइवर भी नहीं रखना, कंप्यूटराइज कर रहे हैं, मेट्रो कर दी आती उन्होंने, उसमें ना ड्राइवर है ना गार्ड है ना टीवी है। अब हम पढ़ रहे हैं, जॉब खत्म हो रहा है, और यह हमें धीरे धीरे पता नहीं लगा। अब आपको क्या लगता है 10 साल बाद 125 करोड़ हो जाएंगे? कितने? 200 करोड़। इतना हिस्सा तो हरियाणा ले जाएगा, वैसी बात कर रहे हैं। हम अभी तक दूसरे नंबर पे थे पॉपुलेशन, चीन पहले पे, अभी हम पहले पे आ गए। पता हम पहले पे क्यों आ गए? भारत के आदमी को यह कभी बर्दाश्त नहीं होता कोई उससे आगे निकल जाए। आप प्रैक्टिकल देखना, बाइक से आराम से जा रहे हो, दो दोस्त आपके पीछे से बाइक वाला निकले तो आपका दोस्त क्या बोल रहा है? एक कह रहा है आगे निकल गया, खींच एक्सीलेटर, फिर ये खींचता और कर जाता है उसको क्रॉस, फिर बोलता है भाई हम नहीं पकड़ पाए। तो बहुत टाइम से चिंतित थे यार, चीनी आगे निकले जाते। तो फिर कुछ बुद्धिमान लोगों ने कहा था सर खींचो एक्सीलेटर, क्या देख रहे हो? और मेरा ओपन चैलेंज है, भारत को कोई पकड़ नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं पकड़ ही नहीं सकता। चलो ये तो खुशी की बात है, पकड़ नहीं सकता, जो ये आते जा रहे हैं ये करेंगे क्या, ये तो सोचने का विषय है कि नहीं? ट्रैफिक पुलिस में चौराहे पर 4 लोग खड़े किए जाते हैं, कैमरे लगा दिए उन्होंने, उन 4 का भी गया, और ये हर सेक्टर में उसी पूछ की तरह हो। ये बहुत विचार करने का विषय है, और ये कहानी आज की नहीं है, समस्या पता क्या, ये कहानी है 25 साल बाद की, और हम समझदार लोग हैं भारत के, पता क्या बोलते अभी सब ठीक है ना, 25 साल बाद समस्या आएगी तो 25 साल बाद कर लेंगे। तो 25 साल बाद करने को देगा, इनको आज चेयर नहीं मिला, इनको आज बैठने की जगह नहीं मिली, आपको इसमें जगह मिली, बहुत सोचने का विषय। अच्छा फिर भी मैं एक बात पूछता हूं, यहां जितने लोग जॉब में हैं ईमानदारी से बताना, 20 साल पहले जो जॉब में आनंद था, सॉफ्टनेस थी, रिलैक्स पन था, अभी है? अच्छा जो सहनशीलता आपके पिताजी ने दी आप में है, जो आप में आपके बच्चों में है, जिस जॉब को आप नहीं कर पा रहे आपको क्या लगता बच्चा कर ले? क्योंकि जो जॉब कर रहे हैं वो जानते हैं, मैं कहना नहीं चाहता, ये उनसे पूछ रहा, पढ़ा लिखा व्यक्ति IAS, एक मंत्री उससे आता भी पढ़ा लिखा नहीं, वो उसको इतने हल्के शब्द बोलता है, बस फर्क यह है अकेले रूम में बोलता है, सुनने वाला भी एक सुनाने वाला, और उस समय उसकी इच्छा होती है छोड़ दो ये जो, पर उसको याद आता है, और इसका भी सोच लेता है कुछ भी कर लूंगा, फिर वो 5 याद आते हैं जो घर में, फिर वो क्या होता है सर, यस सर, तो आप कह रहे हो वही सर। मैं जॉब की एक लाइन में परिभाषा बताऊं आपको, जॉब वो ही व्यक्ति कर सकता है जो अपना स्वाभिमान बेच सकता है, बाकी आदमी जॉब नहीं कर सकता। अगर आप अपना स्वाभिमान बेच सकते हो तो आप जॉब कर सकते हो। चलो फिर भी ठीक है, अभी स्थिति पता है जॉब वालों की क्या, ये सर्वे है जो एजेंसियां सर्वे करती है ना दुनिया का, इंड
इंडिया के लिए सर्वे आया, इंडिया में भी आपको पता है सबसे बड़ी बीमारी कौन सी? हार्ट अटैक। कर्ण एक मिनट में तीन लोग, ये सर्वे है बार कितने, तो समझा गया अटैक ही क्यों ज्यादा आ रहे हैं। फिर समझा गया किसको आते हैं, फिर समझा गया किस समय आते हैं, तो सर्वे में पाया गया ये सोमवार की सुबह ज्यादा आते हैं। ये कड़वा सच है। और अभी आपने सुना होगा अभी साइलेंट अटैक आने लगा, ये कुछ दिन से आना शुरू हुआ। पहले तो और भी आदमी को पसीना आता था, वो डरता था भाई साहब दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। अभी तो वो बैठा है, पानी पिया, 30 सेकंड बाद रसोई से पत्नी आई, पत्नी बोलती है हाजी, तो जो कबा देती, अरे इनको क्या हो गया, ये तो टीवी देख ही ना, पलक के नीचे पत रहा। डॉक्टर को बुलाया गया, उसने कहा जी अब ये टीवी नहीं देख पा रही, क्यों? बोले इन्होंने कुछ बताया नहीं, बोले आजकल वो साइलेंट आने लगा, अब आजकल आदमी बताता नहीं। तो सर्वे हुआ कि सोमवार की सुबह क्यों, तो पाया गया जॉब वालों को सबसे ज्यादा था। फिर इसका प्रैक्टिकल समझा लिया, आज समझते शनिवार की शाम को आदमी अलार्म लगाएगा क्यों, संडे वहां नहीं जाना उसको जहां वो जाना नहीं चाहता। कहां नहीं जाना, जहां वो जाना, जाना पड़ता है, जाना नहीं चाहता। तो अब क्या होता है, साइंस ये बोलती है जब आप सोते हो ना, आपका शरीर सोता है, दिमाग सोता है, दिल सोता है, केवल मन जागता है, वो सपने देखता है। आप शनिवार की रात को जब आप सोए बिल्कुल एकदम साइलेंट मोड में, सुबह 6, 7, 8 जब भी आंख खुलेगी बिल्कुल स्मूथली, पानी पियोगे, चाय पियोगे, अपनी दिनचर्या करोगे, कहीं घूमने जाना है जाओगे, नहीं तो रेस्ट करोगे, संडे की शाम को अलार्म लगाओगे क्योंकि नोएडा जाना है, मथुरा जाना है, जो के लगाओगे तो 5 बजे का 4 बजे का 5:30 का जो भी एक फाइल है। अब संडे की रात को भी ये साइलेंट मोड में सो जाता है, कौन कौन, शरीर दिमाग दिन। अब सोमवार की सुबह 5:30 बजे जैसे वो अलार्म बजा, अचानक बजा, ये अचानक डरा, ओ 5:30 बजे दिनचर्या पूरी करेगा भगेगा। अब ये छोटा सा दिन कितने सोमवार डरा, कितने सोमवार, 1 हो 2 हो 10 सोमवार हो, 40 साल तक इसको हर सोमवार डराओगे। वो फिर कहता है मैं बोलूंगा भी, अब मैं साइलेंट ही निकलूंगा, पहले तो और भी मैं बोलता था, अब नहीं बोलूंगा, क्या जीवन हो। और फिर भी हमारा फोकस नहीं है आरसीएम की तरफ, मैं ये नहीं कहता सब ठीक है करो, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, अभी गर्मी का थोड़ा एहसास है, आप सबको अभी कहा जाए पानी पियोगे तो आपकी चौंधी के होगा, मीटिंग के बाद तो पियोगे, पानी कहां है, पानी इस जमीन में भरा हुआ है, कहीं 200 फीट, कहीं 400 फीट, कहीं 150 फीट, कहीं 100 फीट, पानी पानी है जमीन में, नदियां हमारे पास से निकल रही है, निकालने के साधन अलग अलग है, पानी फ्री में मिलता है। अब जिसकी आपको प्यास लग रही है फ्री की चीज की, आपसे हम कहें हम फ्री का पानी तो नहीं देंगे, पैसों का एक गिलास दूध पिलाएंगे, कितनी देर सहन करो, 2-3 घंटे फिर प्यास लगेगी, चाहिए क्या, वही फ्री का पानी। फिर हम कहेंगे फ्री का पानी नहीं देंगे, मौसमी का जूस देंगे, पैसों से लाएंगे, कितना टाइम निकाल सकते हो बगैर पानी,
जूस वूस भी मिलता रहा बिना पानी के आखिरी के लिए। और तीसरे दिन आप एक ही बात कहोगे, भाई साहब या तो पानी दे दो नहीं तो वो मिलेगा, और दोनों ही फ्री मिलते, ना पानी का पैसा लगता ना उसको मिलने का पैसा लगता। अब तीसरे दिन जब आप तड़प रहे हो पानी चाहिए, हम कहते चाहिए पानी, हाँ पानी दे दो मिलेगा पानी। कितने फीट है यहाँ पानी फरीदाबाद में? 150 फीट। हम आपसे कह रहे हो 150 फीट कुआं खोदो, एक गिलास नहीं 10 बाल्टी पानी ले, क्या लगता खोद पाओगे? क्योंकि प्यास खतरनाक है। मेरे को दुख इस बात का होता है, मैं 21 साल से भारत में घूम रहा हूं, भारत का आदमी इच्छा में काम नहीं करता, भारत का आदमी हमें मजबूरी में काम करता। और ध्यान रखना, मजबूरी में कुआं नहीं खुलता, कुआं तभी खुल सकता है जब आपको प्यास ना हो, जब आपको प्यास लगेगी कुआं खोद ही नहीं पाओ। जॉब करो, बेरोज में नहीं, जॉब करो, लेकिन इस कुएं को खोदते रहो। जिस दिन आपका जॉब वाला कुआं पानी पिलाना बंद करेगा, 7 पीढ़ियों तक आरसीयू का कुआं आपको पानी पिलाएगा। व्यापार की बात करें, बहुत लोग कहते हैं सर कुछ नहीं जॉब नहीं है, जैसे सुशील जी ने कहा बिजनेस था अच्छा, व्यापार कर लेंगे। व्यापार आसान नहीं है आज, ये फरीदाबाद आपका व्यापार का हिस्सा है, कंपटीशन बढ़ गए। यहाँ है कोई बिजनेस में? है कुछ बिजनेस में? 20 साल पहले तो बिजनेस में आनंद था, अभी है? अभी नहीं। पहले कैपिटल कम लगता था, मार्जिन ज्यादा था, अभी मार्जिन कम हो गया कैपिटल बढ़ गया। मेरी बात का विश्वास नहीं है, दादाजी से पूछ रहा। पहले 20 गांवों के बीच में एक किराना की दुकान होती, कंपटीशन और बढ़ा, 4 गांवों के बीच में एक किराना की दुकान आ गई, और कंपटीशन बढ़ा, हर गांव में किराना की एक दुकान हो गई, और कंपटीशन बढ़ा, हर गली में किराना की एक दुकान हो गई। आज इतना कंपटीशन है, हर गली में 4 दुकान है, आने वाले टाइम में हर घर में दुकान होगी, अपना खरीदो अपना खाओ। ये तो सामने नहीं था, पर ये कहानी आज की नहीं, ये कहानी है 25 साल बाद। फिर क्या लगता है, हम भारत में पैदा हुए, कुछ नहीं होगा खेती कर लेंगे। सुशील जी आप उस फैमिली से हो या ये लगभग किसान परिवार से, खेती को भी समझ लें। मेरे परदादा जी के पास 100 बीघे जमीन थी, दादाजी को कितनी मिली? 100 अकेले थी। पिताजी को कितनी मिली? 100। हमारे पिताजी के हम 4 हो गए, 25-25। मेरे तो एक ही बच्चा, मेरे बड़े भाई साहब के 3 है। कितनी? लगभग 8-8, 8.5-8। उनके बड़े लड़के के 3 है। कितने हो गए? 2.5-2.5। अब वो भी इस दुनिया में आया, कुछ तो करेगा, आया है कुछ तो करेगा। अब ये धान और गेहूं पाओगे? इसीलिए हमने चंद्रयान भेज दिया, क्योंकि अभी तक ये कहावत चलती थी चांद पे खेती होगी, सुना ये बात? तो मेरे को वही कहानी नहीं मिल रही, कहां होगा? पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्षेत्रफल तो वही है। और जब मेरे पिताजी को 100 बीघे में आनंद नहीं आया, जब दूध 1 रुपए लीटर था, इसको 2.5 बीघे में आ जाएगा 60 रुपए लीटर दूध में। उस समय 500 रुपए में पूरे घर के कपड़े आ जाते थे, आज 500 में बच्चे का जींस नहीं आता। तो ये 2 विकल्प है। तीसरा ये है, अब इसका मैं उत्तर देता हूं, इनको जिंदगी भर करना है, इसको 5 साल करना है। करना क्या है? अच्छे कपड़े पहनो, लोगों से अच्छी बात करो, लोगों को समझाओ। अभी जगदीश जी ने कहा ना, मैंने मेरे 2 एमरल्ड तैयार कर दिए, मैं हूं क्या स्टार एमरल्ड? मेरे को तो मेरे तैयार कर दिए, मेरे को अपनी चिंता नहीं, सिस्टम है।
तो ये काम भारी है, अच्छे कपड़े पहनो, लोगों से अच्छी बात करो, लोगों को समझाओ, भारी काम है? आसान है। क्या है? लोगों को समझाना। भारी ये है, भारत के लोगों को समझाना, ये बात। मेरे को बहुत दुख होता है जब मैं कई बार सोचता हूं भारत के आदमी को इतना क्यों समझाना। आप देखना, भारत में पशु पक्षी जल्दी समझते हैं, या किसान है हाथ खड़ा करेगा। आप एक बैल को पहली बार खेत से घर तक लाओ, पहले दिन, दूसरे दिन लाओ, तीसरे दिन उसी रास्ते से, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौ दिन लगातार लाओ, दसवें दिन आप उसके रस्से खेत में छोड़ दे, क्या करेगा? घर आ जाएगा। क्यों? नौ दिन समझाया है आपने उसको। कितने दिन? हम 21 साल से समझा रहे हैं और बैल को नहीं, बैल को नहीं समझा। ये बड़ा सोचने का विषय नहीं है? ये मेहनत करते हैं सारे, जगदीश जी ने कहा मैं 400 लोगों को यहाँ लाया, 200 को गुड़गांव ले गया, 150 को अलीगढ़ ले गया, कितना मुश्किल काम है बार बार। और यहाँ फरीदाबाद में हर महीने जयप्रकाश जी मेहनत करते हैं, टाइम लेते हैं, सुशील जी बात करते हैं, लीडर की तारीख फाइनल होती है, गर्मी में बैठना पड़ता है, 150 का टिकट, और ये बात फिर समझाई जाएगी। अगले महीने मीटिंग है केसी छावड़ा से 24 सितंबर, तो 24 सितंबर को आप लोग आओगे? आओगे? आज बात समझ में नहीं आई? बात तो वो भी यही बताएंगे। ये बहुत सोचने का विषय। मेरे को तो ऐसा लगता है आसिम के लिए मीटिंग की आवश्यकता नहीं, प्रोडक्ट खाओ, अपनी हेल्थ अच्छी रखो, लोगों का विकास करो, लोगों को आगे बढ़ाओ, आप खुद आगे बढ़ जाओ, इसमें क्या बार बार मीटिंग करना। और कारण है लोग, भारत के आदमी को समझाना और मेंढक को तोड़ना बराबर काम। आप मेंढक को पढ़ लिए रख के जाना और दूसरा पकड़ के ला, इतने ये पहला नहीं मिले, ये तो जंप मार के निकल गया। तो क्या आसान तरीका है तीनों में? जॉब, फैक्ट्री या आरसीएम? आरसीएम। कितने साल का कोर्स है? 5 साल। और देखना, इन दोनों कामों में आप बहुत जल्दी बूढ़े हो जाओगे। इस काम को करते हुए आप जवान होते चले जाओ। मेरी एक 2004 की सिटी है वेस्ट बंगाल की, अभी बात कर रहे थे नरेश जी ने बहुत दिखाई उसको टीम में, उसमें आप मेरी सेहत देखना, मुझे इसके डाउन, अभी पहले से अच्छा हूं, 10 साल बाद में लोग और अच्छा मिलूंगा। ये आरसी का कमाल है। ये दो कामों में, पता है आज भारत में आदमी 40 का है, लगता 55 जैसा। इन दो कामों को करते हुए आदमी की एज कितनी है? 40। और देखने में कैसा लगता है? 55 जैसा। समय के पहले बूढ़ा हो गया, क्योंकि ये हार्ड वर्क है, यहाँ लोड ज्यादा रहता है, ये स्मार्ट वर्क है, यहाँ लोड कम रहता है। थोड़ा समझे इसको क्यों हो जाता है आदमी बूढ़ा? यू नो बाइक, बाइक, एक बाइक को आज लो 60 पे चलाओ, कोई ब्रेकर ना कूदे, कोई गड्ढा ना कूदे, सिंगल चलो, सिंगल, वो बाइक लॉन्ग टर्म चलेगी, क्योंकि लोड नहीं है एक्स्ट्रा। आज एक बाइक लो, तीन तीन लदो,
सो में चला, हर घंटा प्रे कर खुदा को। ये भाई कुछ दिन बाद धुआं देना शुरू कर दिया। जब आप मैकेनिक के पास ले जाते हो तो मैकेनिक एक ही बात बोलता है, भाई साहब ओवरलोड चलिए, क्षमता से ज्यादा काम लिया है आपने इससे, इसलिए इसका इंजन बैठ गया। तो आप उससे अब क्या करें, इंजन बदलवा लो। तो बड़े ध्यान से सुनना, बाइक में ऑप्शन दिया है उसने, वापस इंजन बंद सकता है। इसमें उसने ऑप्शन डाला नहीं, ये आखिरी में धुआं ही देता है। और देखना वहां बैठे हुए लोग बोलते, भाई साहब चलो निकल कर दूंगा, चलो। अब आपका सोच रहा है, मैंने आपको तीनों विकल्प बता दिए, आपको जो अच्छा लगता है वो कर। मैं ये नहीं कहता ये दो काम छोड़ दो, ये कुआं अभी पानी दे रहा है इससे लेते रहो, इस कुएं को खोदते रहो। 20 साल पहले ये कुआं 10 इंच पानी देता था, कौन सा जॉब, कंपटीशन बढ़ा, 5 साल बाद 8 इंच पे आ गया, फिर 6 इंच पे आ गया, फिर 4 इंच पे आ गया, फिर 2 इंच पे आ गया, कोरोना के बाद 1 ही इंच दे रहा है। व्यवहार में भी कोई कहानी, 20 साल पहले ये 10 इंच, फिर 8 इंच, 6 इंच, 8 प्लस जैसी फैक्ट्री बंद होगी आपकी, कितनी बड़ी फैक्ट्री जिसका नाम चलता था दुनिया में, पानी छोड़ गए, 1 इंच तो छोड़ो, पानी छोड़ गए। और ये सब भी छोड़ेंगे, अब धीरे धीरे तो कम हो रहा है कि नहीं, लेकिन इस कुएं की बात करते, ये 23 साल पहले 1 इंच देता था, फिर 5 साल बाद ये 2 इंच पे आ गया, फिर 5 साल बाद ये 6 इंच पे आ गया, फिर 5 साल बाद ये 10 इंच पे आ गया, अभी 12 इंच दे रहा है, और 2025 तक ये 25 इंच पानी देगा। तो तैयार है आप 5 साल के लिए? क्या करना है? कुछ नहीं, आए हो तो सबसे पहले आज एंट्री लो, अपने घर का प्रोडक्ट लो, ये सारा प्रोडक्ट आज हम वंडरवर्ल्ड चलेंगे यहाँ से, आप उसको देख लो। जो लोग मेरे से पर्सनल मिलना चाहते हैं, कोई डिस्कस करना चाहते हैं, हम यहाँ नहीं रुकेंगे, तुरंत हम वंडरवर्ल्ड जाएंगे, वहां जाके अपनी पसंद का प्रोडक्ट लो। सबसे पहला अपने आप से वादा करो, मैं 100% प्रोडक्ट यूज करूंगा। क्यों? सबसे पहला अपना स्वास्थ्य अच्छा हो। यहाँ मेरे फादर की एज के लोग बैठे हैं, इनको पूछना, पहले भारत में आदमी के लिए बाल थे 40 साल के बाद सफेद होना शुरू होते थे, आज स्थिति ये है 40 तक कंप्लीट घूमता है। क्या हो गया? ओवरलोड है, गड़ 3-3 लदे हैं, हो गए टाइम के पर। ये ओरिजिनल है, कैसे नेचुरल है, ओरिजिनल है, नेचुरल है, और मैं अपनी जिंदगी का जो रनिंग साल जी रहा हूं वो 55 है, 55। ये सिर्फ आरसीएम के प्रोडक्ट का कमाल है, सिर्फ आरसीएम के प्रोडक्ट का। मेरा आज ओपन चैलेंज है, आज भी मेरी एनर्जी 25 साल के लड़के से ज्यादा है, आज भी। अगर आप में बैठने की ताकत है तो मैं रात के 12 बजे तक बगैर पानी पिए नॉन स्टॉप बोलने की ताकत रखता हूं। और जबकि मेरा आज एकादशी का व्रत है, मेरा आज एकादशी का व्रत भी है, तब भी एनर्जी सिर्फ आरसीएम के प्रोडक्ट की वजह से। तो सबसे पहला काम क्या करना है, प्रोडक्ट 100% अपनी सेहत अच्छी करो। और ये मेरा आंकड़ा नहीं, मैंने जो अभी एजेंसी बताई ना, ये सर्वे है दुनिया का, बड़े ध्यान से सुनना, क्या सर्वे है, आपके बैंक में 1,000 रुपया जमा, बड़े ध्यान से सुनना, कितना, 1,000। आप
आपकी फिटनेस अच्छी है, आप इस दुनिया के सच्चा वीर व्यक्ति हैं। इंडिया में नहीं, रुपए कितने जमाए। अब दूसरा कोटेशन, ये भी विश्व का है, अगर आपकी बैंक में 100 करोड़ रुपया जमा है, कितना, और आपकी फिटनेस अच्छी नहीं है, आप इस दुनिया के सबसे गरीब व्यक्ति हैं। और आपको सुन के आश्चर्य होगा, पूरी दुनिया में जितने लोग बीमार नहीं है उससे ज्यादा भारत में, क्योंकि हमने फिटनेस की तरफ ध्यान नहीं दिया, खान पीन का ध्यान ही नहीं दिया। ये गुड डॉट की हम स्टॉल क्यों लगवाते, ताकि आप बाहर के समोसा कचोरी से बचो। बाहर का तेल आपको क्या लगता है, वो ऑयल है, वो जीरो ऑयल है। और मेरा हमेशा एक कहना है, आज सीम में अगर एज कम है, आपकी आयु ठीक नहीं है, तो आपको ब्यूटी की जरूरत नहीं है। आपकी एनर्जी अच्छी है तो शायद आपको प्रोटीन की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे कहने से दो काम, दो प्रोडक्ट अभी आरसीएम में खाना मत मत करना, एक तो हेल्थ गार्ड हो और एक गामा ऑरेंज हो, ये दोनों बड़ी बात है। आपको पता है आज भारत में 60% लोग ओवरवेट हैं, 60, कोई यहाँ तक, कोई यहाँ तक, कोई यहाँ तक, कोई तो इतना है कि उसको ले जाकर चाय दो तो अलग से टेबल नहीं देना पड़ता, इधर ही लग के पीता है। उसको पूछो क्या है, सेल्फ सर्विस टेबल साथ। अच्छा उससे पूछो भाई साहब ये क्या है, तो पता है क्या बोलेगा, लगता है क्या है, खाते पीते परिवार से हूं, खाता पीता परिवार मिलता, भारत की लैंग्वेज में पैसे वाले अमीर परिवार क्या बोलता है वो, मैं इसलिए मेरा पेट बाहर है, मैं अमीर परिवार से हूं। तो फिर मुकेश अंबानी का पेट तो वहां तक होना चाहिए, घर से निकलता चार लोग तो उसका पेट मिलने के निकलते, भाई साहब अमीर परिवार का आदमी आ रहा है, पेट बाहर है अमीर परिवार से। इस दुनिया में 20 साल कम जीने के पेट लगा है, और उसका एक ही कारण है, आपका डाइजेशन बिगड़ा हुआ। यू नो डाइजेशन, समझे थोड़ा, अच्छा और गलत डाइजेशन क्या होता है। सुबह उठे, पानी पिया या नहीं पिया, और बाथरूम की तरफ रेस लगा दी, और 3 से 5 मिनट में बाहर आ गए, तो आपका डाइजेशन अच्छा है और आप हमेशा फिट रहोगे। और ये भारत में 20% हो गया। 80 का क्या हाल है, उठा पानी पिया फिर थोड़ा टहला, फिर बात रूटी, फिर 5 मिनट बात करनी, बोला चाय बनाओ चाय चाय, फिर चाय पी, फिर थोड़ा टहला। फिर 3 मिनट बाद बोलता है कड़क चाय बनाओ, कड़क, वो चाय थोड़ी चाय नहीं लगी, फिर वो कड़क पी ली, फिर थोड़ा टहला, फिर बात रूटी, फिर उसका आखिरी हथियार अंदर पता नहीं क्या घुमाता है, ऐसा करके वो थोड़ी देर उसको, जो थोड़ी देर बाद फिर देखता है, तो वो बाथरूम भी उसको यही बोलता है, मैं भी यही सोच रहा हूँ तू आएगा कब। और जब ये चला जाता है, ये फिर निकलता है। अब भारत में ज्यादातर परिवार वो है जिनके घर में एक ही बाथरूम है, 60% परिवार कैसे एक ही बात हुई है, आइए बैठ गया अंदर, बच्चे के स्कूल का टाइम हो, बच्चा उधर घड़ी देखता है, अब वो बच्चा है डरता भी है, फिर मम्मी को बोलता मम्मी स्कूल का टाइम हो गया, तो फिर मम्मी बोलती नहीं उसको, इशारा करती है क्या कर, गेट बजा दे, तो ये फिर गेट, पापा, ओ पापा, पापा, आइए साइलेंट बैठा, फोन नहीं,
पापा, ओ पापा, अब वो बोला नहीं तो ये मम्मी को बोलता है शायद नींद आ गई मम्मी, बोल ही नहीं रहा था। तो मम्मी तो जानती है ना नींद नहीं, ये निकलेगा नहीं। तो फिर मम्मी उसको इशारा करती है, अच्छा मम्मी बोलती क्यों नहीं, क्योंकि अगर वो मम्मी की बात सुनेगा बच्चा तो स्कूल चला जाएगा ना, घर में फिर मम्मी अकेले बची तो उसे वो भी खतरा है, तो वो बोलती नहीं। फिर बच्चे को इशारा करती, फिर ये पापा पापा बाहर आओ बाहर, तो ये अंदर से बोलता है जिस चीज के लिए आया हूं वो तो बाहर आए, फिर मैं बाहर आऊ। क्या स्थिति बना, और फिर भी हम क्या कह रहे हैं सर आरसीएम की क्या जरूरत है। मैं बताऊं क्या जरूरत है, आरसीएम को पैसे के लिए मत करो, नहीं चाहिए पैसा मत करो, आरसीएम को सम्मान के लिए मत करो, नहीं चाहिए सम्मान मत करो, आरसीएम को सुरक्षा के लिए मत करो, पर आरसीएम को इसलिए जरूर करो ताकि बच्चे स्कूल समय से पहुंचे। बच्चे तो स्कूल समय से पहुंचे, अब रोज टीचर रोज पूछता है आज कहां लेट हो गए, कभी वो कहता है सर साइकिल की चेन उतर गई, फिर अगले दिन कहता है सर हवा निकल गई, तीसरे दिन कहता है सर वहां रोड बन रहा था, चौथे दिन कहता है सर वहां गड्ढा खोद दिया। कब तक बहाने बनाए, अच्छा ये कह भी नहीं सकता सच्चाई क्या है, टीचर तो ये भी नहीं बता सकता फिर पिताजी कब्जा करे बैठे क्या जिंदगी बना। तो पहला काम क्या करना है, कितना प्रोडक्ट 100%, क्यों करना है ये भी गवर्नमेंट का सर्वे।